राजद अगले 10 दिनों में दो बड़ी सियासी बैठक करने जा रहा है। पहली बैठक 11 जनवरी को प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ और दूसरी बड़ी बैठक 15 जनवरी को प्रस्तावित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश प्रदेश पदाधिकारियों को दे दिए। इन दोनों बड़ी बैठकों में सिर्फ आगामी सियासी रणनीति ही बननी है। पार्टी उसी तरह आक्रामक होने जा रही है जिस तरह वो विधानसभा चुनाव से पहले आक्रामक दिखी थी, खास तौर पर चुनावी संभावनाओं और संगठन को और कैसे प्रभावी बनाया जाए, दोनों बैठकों में चर्चा होनी है। पार्टी जानकारी के मुताबिक इससे पहले अगले 1-2 दिन में तेजस्वी पटना आ रहे हैं। 11 जनवरी को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी 15 उपाध्यक्षों के साथ विशेष बैठक होगी। इस तरह की यह पहली बैठक होने जा रही है जब केवल उपाध्यक्षों से राय मशविरा किया जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद रहेंगे। 15 जनवरी को राजद के प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ बड़े नेता फिर बैठेंगे। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष से लेकर सचिव तक उपस्थित रहेंगे और विधानसभा चुनाव में हुए हार की वजह तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके लिए राजद की दोनों समितियों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए गठित समितियों के प्रमुख 7 जनवरी को बैठेंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। पार्टी के दो वरिष्ठ नेता श्याम रजक और तनवीर हसन इस मामले में अपनी अपनी रिपोर्ट को फाइनल टच देने जा रहे हैं।